सो हे गाइस स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में और आज के इस वीडियो में बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी को लेकर सुजलॉन एनर्जी के अंदर आप लोग देख सकते हो भी आज के दिन हमें जो भी एक फ्रेश बाउंड वीक हाई स्टॉक बनाते हुए नजर आया पहले चवालीस रुपए के आसपास का बाउंड वीक खाया था लेकिन आज जो स्टॉक है वो चवालीस रुपये बीस पैसे तक ऊपर में गया है ठीक है तो चवालीस बीस का हाई लगाया उसके बाद आप लोग देखो मार्केट में भी हमें जो आज सारा दिन वर्ल्ड देखने को मिला बट मार्केट लास्ट में एक अच्छी खासी रिकवरी लेते हुए नजर आया क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री ने जो है अभी एक जबरदस्त मोमेंटम दिखाया एक ब्रेकआउट के बाद जो स्टॉक है वहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग आती हुई नजर आई है जिसकी वजह से जो रिलायंस इंडस्ट्री वो दो ढाई परसेंट ढाई परसेंट के भी ऊपर में उछला और पूरी निफ्टी को जो है भी एक तरफा लेकर चला गया तो यहाँ से हम डिस्कस करेंगे भी क्या ये जो स्टॉक है सुजलॉन एनर्जी आगे भी अच्छे खासे रिटर्न दे पाएगा फिर यहाँ से छोटा प्रॉफिट लेकर एक बार थोड़ा सा एग्जिट कर सकते हैं क्योंकि अभी हमारी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बोला था कि इकतालीस को अगर यह एक लेवल इकतालीस का था ना उसे काटेगा तो फ्रेश हाई लगाएगा पक्का और वो हमें आज के दिन देखने को मिल गया अभी ठीक है तो उसके बाद आप लोग देखोगे भी नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकते हैं कल के क्या कुछ डाटा वगैरह देखकर मोमेंटम बनते हुए नजर आएंगे और आप लोग देखो स्टॉक ए की अब तक फो फिफ्थ स्टेज के अंदर है भाई ठीक है तो ये जो स्टॉक है वो ए से बाहर अगर बात करें तो आप लोग देखोगे भी पाँच जनवरी को इसको जो है ना पूरे नाइन्टी डेज हो जाते हैं तो नाइन्टी डेज की प्रोसेस होती है उसके बाद जो स्टॉक है वो ए एस एम से बाहर होना स्टार्ट हो जाते हैं तो ये अब जो है ना अभी जल्द से जल्द कोई डेट तो फिक्स है नहीं अभी इस दिन होगा लेकिन जल्द से जल्द जो है ना अभी ए एस एम से बाहर होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही इसके ऊपर भी अपडेट आएगी वो भी आपके साथ जरूर साझा करेंगे भाई तो चलिए एक फ्रेश बाउंड खाई बनाने के बाद जो स्टॉक है वो प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर ही क्लोज होते हुए नजर आए हैं ऐसे में क्या ये स्टॉक एक अच्छी खासी रैली दिखा पाएगा यहाँ से या फिर नहीं इन सबको देखते हुए आर एस एम एफ भी थोड़ी बहुत हाई हो चुकी भी सेवेंटी के ऊपर में निकल चुके हैं पी रेशो थोड़ा हाई है ये मैंने आपको पहले भी बताया तो चलिए भाई अब देखते हैं इसका डाटा और चार्ट तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी जो डाटा है वो कैसा है तीसरा तालिश पचपन पैसे प्रीवियस क्लोजिंग थी आज की भी क्लोजिंग यही है बट ओपन हुआ चालीस दस हाई स्टॉक ने लगाया चालीस बीस का और सो बयालीस तीस तक नीचे में भी आया तो स्टॉक में तेजी भी बनी ओपनिंग होने के बाद फिर स्टॉक टूटा भी क्लोजिंग कहाँ पर आई इसकी प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास ऐसे में मार्केट प्राइस के ऊपर आप लोग देखोगे भी एक सैंतालीस हज़ार सात सौ चौरानबे का जो ना भी एक सेल उड़ रहा है डिलीवरी पॉइस ने यहाँ पर शो नहीं रखा है स्टॉक एस के फोर्थ स्टेज में है और इसी के चलते देखो भी सुबह की अगर आप लोग हर एक वीडियोज देखते हो तो पहली जो वीडियो थी हमारी कोचिंग सिपियाड़ के ऊपर थी कंपनी ने सब दिया और आप लोग देखोगे सिक्स सेवेंटी के आसपास ओपनिंग थी स्टॉक की ठीक है वहां पर मैंने आपको क्लियर बोला था कि मौका है स्टॉक के जो भी अगर आपको ये इस भाव के आसपास सत्तर से अस्सी ठीक है ऊपर में नब्बे के आसपास भी छह सौ अस्सी छह सौ नब्बे के आसपास भी तो भी कंसिडर कीजिए क्योंकि ट्वेंटी परसेंट के सर्किट लिमिट है कोचिंग सीपीआर की और बीस परसेंट तक जो शेयर वो उछल सकता है तो वहां पर आप लोग देखोगे निवेशकों ने जमकर पैसा बनाया आज के दिन और बहुत अच्छी बात है बीस परसेंट का सर्किट वहां पर लगा तो चलिए भाई आप देखते हैं इसका भी चार्ट तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी इकतालीस रुपये पाँच पैसे को ब्रेक करने के बाद हमारा जो पहला टारगेट था चवालीस रुपये पाँच पैसे का वो आज के दिन आ गया है ठीक है जिन्होंने हल्की फुल्की प्रॉफिट लेनी थी प्रॉफिट बुकिंग करना था उन्होंने किया होगा अगर जो इसके अंदर आगे के लिए चलना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी देखो अभी आगे के दरवाजे खुलने अभी भी ठीक है यानी कि स्टॉक अभी आप लोग देखोग फिफ्टी से सिक्सटी रुपए तक के जो मूव है वो क्वार्टर वन रिजल्ट क्वार्टर थ्री रिजल्ट तक या फिर जो अभी बजट से पहले अगर बात करें तो एक हल्की फुल्की की डीप इसी के अंदर आएगी भी ठीक है लेकिन उस डीप को लेकर परेशान नहीं होना है आपके भाव से अगर जो स्टॉक है वो पांच से दस नीचे आता है ठीक है अगर आपके भाव मान लीजिए आपने किसी भी भाव में स्टॉक को परजेज है और अपने उस भाव से 5 से स्टॉक परसेंट नीचे भी कम कम, देखो अगर, तो तो अगर नीचे में एस चल रहे हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं अभी टाइम का जो सपोर्ट है इकतालीस रुपए का है साढ़े तिरतालीस के भाव में शेयर है अगर चवालीस रुपए पांच पैसे को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो सिचुएशन में आप लोग देखोगे पचास और साठ रुपये के जो मोमेंट है स्टॉक में बन सकते हैं बट चवालीस के ऊपर में सस्टेन करना चाहिए आज भी चवालीस के ऊपर में निकला जरूर लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया अगर सस्टेन करता तो ठीक था क्योंकि पहला प्रॉफिट जो पहला टारगेट पहला टारगेट था इकतालीस रुपये दूसरा था चवालीस दोनों आ गए हैं अब तीसरा पचास का है वो देखते भी जल्द से जल्द आएगा या फिर स्टॉक के अंदर ऊपर के लेवल से थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने को मिल सकता है तो इकतालीस के आसपास का सपोर्ट भी तो इन लेवलों के ऊपर फोकस कीजिए अभी और इसके रिगार्डिंग कोई और ख़बर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना और हाँ एक चीज़ और अभी हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ना अभी अब तेरह तारीख़ की डेट फाइनल कर दी गई है तेरह तारीख को आएगा और प्रीमियम में आएगा भाई और प्रीमियम ऐसा होगा जो हर कोई आसानी से ले सकता है आप अगर थोड़ा बहुत पे करोगे ना भाई तो उसका जो वैल्यू है ना वो आपको समझ में आएगा भाई हाँ आपने कुछ ना कुछ दे के आप लोग कुछ सीख रहे हो ठीक है कुछ कमा रहे हो तो कुछ देकर कमा रहे हो आपके मन में भी ये रहेगा और आप लोग जो है ना कुछ ज्यादा सीखने के बारे में सोचोगे अगर कोई फ्री की चीजें ऐसी मिलती हैं तो उसका वैल्यू नहीं रहता अभी इसलिए आपको जो है ना अभी आपके जो भी सीख रहे हो ना और अफोर्डेबल प्राइस लेकर आएंगे ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा महंगा लेकर आ जाए ठीक है हल्की फुल्की रेंज में आएगा बिल्कुल परेशान नहीं होना भी आपका प्रीमियम का चैनल आ रहा है इसको लेकर परेशान नहीं होना भी प्रीमियम ऐसा होगा ऐसा तो आप लोग सोचे हो गोभी नहीं भी हाँ भी इस प्राइस में भी आ सकता है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो